हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कैमकन स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। इसका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे। ये शेयर अभी लिस्ट हुआ था अक्टूबर 2020 में, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है, नई लिस्टिंग है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आईपीओ में पैसा बनाया, जिन्होंने अलॉटमेंट में अप्लाई किया था, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला होगा और वो कोशिश कर रहे होंगे कि कैसे इस शेयर में हम एंट्री ले सकते हैं। तो किसी भी शेयर में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस पे आपको रेंडम बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स फाइंड आउट करने चाहिए। लेवल्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे वैल्यू बाइंग हो, जहाँ से प्राइस में हमें तेजी आती हुई दिखे। तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या इस शेयर में तेजी का प्राइस स्ट्रक्चर है या नहीं, क्या यहाँ पर इस तरह का प्राइस एक्शन बन रहा है कि हम इसमें तेजी देख सकते हैं, और किस तरह ये स्टॉक आगे परफॉर्म कर सकता है, और कौन से लेवल्स हैं जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं। ओके, सो ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और आप किसी और नई लिस्टिंग, नए आईपीओ शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। आईपीओ से मेरा यहाँ पर मतलब है कि जिनकी लिस्टिंग हो चुकी हो, क्योंकि आईपीओ का एनालिसिस करना फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, और जो हम चार्ट्स पे स्टडी करते हैं इट्स कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं जब शेयर लिस्ट हो चुका हो, भले ही वहां पर डेटा कम हो, लेकिन कम डेटा के साथ भी हम प्राइस एक्शन को रीड कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके डेली चार्ट से। सो यहाँ पे मैं डेली चार्ट से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। सो हम वीकली मंथली चार्ट भी रिव्यू कर लेंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट अगर हम देखें डे वन का, ये अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, आप देख सकते हैं करीब 1 अक्टूबर 2020 को लिस्ट हुआ था। काफी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, इसका आईपीओ प्राइस था करीब 340 के आसपास। सो मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, लेकिन इसकी जो लिस्टिंग आप देख रहे हैं, लिस्टिंग काफी अच्छी हुई थी, ऑलमोस्ट 100% गेन के आसपास लिस्ट हुआ था। इसका ओपनिंग प्राइस था 730 के आसपास, और ये क्लोज हुआ था करीब 580 के आसपास। तो आप देख सकते हैं जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उसी दिन हमने स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखी। आप देख सकते हैं काफी बड़ी ह्यूज कैंडल यहाँ पे बनी है, और इस कैंडल में अगर आप देखें, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, इस कैंडल में शेडो भी नहीं है। आप देख सकते हैं जहां पे ओपन हुआ था लगातार वहां से ही हमें गिरावट देखने को मिली, और अपने बिल्कुल लो के आसपास क्लोज हुआ है। ओके, यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई भी शेडो नहीं है। तो जब इस तरह की कैंडल बनती है वो काफी ज्यादा वीक होती है, और अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी काफी ज्यादा था। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा था कि ये जो आज लिस्टिंग हुई है, बम्पर लिस्टिंग हुई है, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है और हमें आगे भी गिरावट देखने को मिल सकती है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे, आप देख सकते हैं नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे फ्राइडे को लिस्टिंग हुई होगी और नेक्स्ट सेशन जो आपको दिख रहा है वो 5 अक्टूबर का है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं एक गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी, काफी ह्यूज गैप बना, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो अपने लो के आसपास क्लोज हुई है, और इस गैप को यहाँ पे प्राइजेस ने फिल करने की भी कोशिश नहीं की है। तो इस तरह के गैप जो प्राइजेस फिल नहीं कर पाते हैं उसे कहते हैं रन अवे गैप। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी यहाँ कोशिश नहीं हुई, उसके बाद लगातार हमें यहाँ पर इस स्टॉक में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। और उसके बाद आप देख सकते हैं 14 अक्टूबर को यहाँ पे इसने लो बनाया था करीब 398 के आसपास, और उस लो को ये स्टॉक यहाँ पे होल्ड करने की तब से कोशिश कर रहा है। वहां से हमें एक साइडवेज एक्शन हमें इस शेयर में यहाँ पर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और रेसिस्टेंस की बात करूं तो रेसिस्टेंस जो हमें यहाँ पे स्टॉक में मिलता है वो करीब 469 के आसपास है। सपोर्ट आप देख रहे हैं 398, और रेसिस्टेंस इज 469। तो एक रेंज यहाँ पे स्टॉक ने बनाई थी, और अक्टूबर 20 से उसी रेंज के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कोशिश जरूर की थी, आप देख सकते हैं एक अच्छा प्राइस एक्शन भी बना था, गैप अप कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल यहाँ पर भी बनी, लेकिन उसके बाद हमें फॉलो अप देखने को नहीं मिला। प्राइजेस वापस से उस रेंज के अंदर आते हुए नजर आए, और अभी भी अगर आप देखें तो प्राइजेस उस रेंज के अंदर ही अंदर ट्रेड कर रहे हैं।
ओके, सो जब तक ये रेंज प्राइसेस दोबारा से डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करते, हो सकता है इसमें हमें साइडवेज या फिर थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकती है। ओके, तो डेली चार्ट पे फिलहाल इसका जो ट्रेंड था गिरावट का था, लेकिन उसके बाद अब फिलहाल जो करंट ट्रेंड है इस स्टॉक का कंप्लीटली साइडवेज है। ओके, अब यहाँ पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आगे किस तरह का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हमें इसे देखने को मिलता है। तो एक बार मंथली चार्ट हम यहाँ देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट की बात करें तो आप अक्टूबर की कैंडल अगर आप देखें तो एक वीक कैंडल है यहाँ पर, और जब इस तरह की कैंडल बनती है, मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि इस कैंडल का मिड पॉइंट और इन कैंडल का हाई पॉइंट एक रेसिस्टेंस का काम करता है। तो आप देख सकते हैं करीब मिड पॉइंट के आसपास ही ये स्टॉक यहाँ पे रेसिस्टेंस ले रहा है, और इस कैंडल के लो को भी ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये लो जब तक यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एक साइडवेज एक्शन हम देख सकते हैं, लेकिन अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम इस स्टॉक में गिरावट देख सकते हैं। तो फिलहाल इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर वीक ही है, अगर आप मंथली चार्ट की भी बात करें तो। वीकली चार्ट की बात करें तो वीकली चार्ट पे भी आप देख सकते हैं गिरावट की 3 कैंडल्स यहाँ पे बनी है, उसके बाद साइडवेज ब्रेकआउट की कोशिश हुई, लेकिन फिर से यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले वीक्स का प्राइस एक्शन देखें तो प्राइस एक्शन यहाँ पे वीक ही आप देख रहे हैं, और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इज बिलो एवरेज, वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, तो साइडवेज मार्केट में यूजुअली वॉल्यूम कम ही होता है। तो स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे, यहाँ पर वीक है। फिलहाल यहाँ पे इस तरह का प्राइस एक्शन नहीं है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा इम्पोर्टेंट लेवल्स का। आपको यहाँ पे नोटिस करना है कि 398 के आसपास जब अगर ये स्टॉक आता है तो किस तरह से यहाँ पे प्राइस एक्शन डेवलप होता है। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल्स फॉर्मेशन होती है तो हो सकता है हमें फिर से एक मूव देखने को मिले जो स्टॉक को फिर से 470 के आसपास लेके जा सके, लेकिन जब तक ये जो आप लेवल देख रहे हैं आप ये जो लेवल देख रहे हैं 470 के आसपास, जब तक ये लेवल डिसाइसिवली क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे हम साइडवेज या फिर गिरावट इस स्टॉक में देख सकते हैं। तो स्ट्रक्चर तीनों चार्ट पर इस स्टॉक में अभी भी अच्छा नहीं है। ओके, सो आप वेट कीजिए 400 के आसपास लेवल के आसपास कि किस तरह से ये स्टॉक क्रिएट करता है, और अगर ये लेवल 400 के भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट प्राइस जो आईपीओ प्राइस है 340 का, वो लेवल्स भी हमें स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया हो। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप किसी और नई लिस्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी उसका वीडियो बनाने के लिए। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपको फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैव अ हैप्पी डे।